इंडिया के सोलर सिटी में आप सबका स्वागत है और आज कुछ नया करते हैं। अस्सी हजार का फोन, 80,000 का लैपटॉप। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि यार इतने पैसे हम फोन या लैपटॉप में खर्च करेंगे। बट एप्पल में बात ही ऐसी कुछ है कि यार जब भी थोड़ा बहुत यूट्यूब मनी आता है ना, इंसान उसी की तरफ दौड़ा चला आता है। तो इस महीने मैंने एप्पल आईफोन और मैकबुक दोनों एक साथ ले लिया। दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे स्टार्टअप ज्ञान स्टाइल में कि ऐसा क्या है एप्पल में जो कि उनका इतना हाइप बना रहता है। लोग हमेशा सपने देखते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स की और फिर वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो जल्दी से अब ये वीडियो शुरू करते हैं। अब एक मेजर रीज़न जिसके वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं वो ये कि यार उनका जो आइकॉनिक और स्पेक्टेकुलर डिज़ाइन, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग एक्चुअली प्रोडक्ट्स को सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि प्यार करते हैं। देखो भाई, ज्ञान ये सब तो चलता रहेगा, बट यहाँ पर एम ये है कि यार एप्पल के प्रोडक्ट्स जिस पर हमने इतने पैसे खर्च किए उसको अनबॉक्स करके थोड़े और व्यूज़ भी ले आएँ, क्योंकि यूट्यूब इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग के अलग ही लेवल के व्यूज़ हैं। चलो भैया शुरू करते हैं। और ये है आपका मैकबुक M1 Air। अब जबरदस्ती का वाओ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं अभी तक मैकबुक ही यूज़ करता था और स्टोर में भी ये वाला मॉडल मैंने देखा हुआ है, पर यार चीज़ सही में काफ़ी मस्त लग रही है। जल्दी से अनबॉक्स चालू करते हैं। वाह, इनका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो कितना स्मूथ है यार। अब यार 1,00,000 रुपये में तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपये तो यार अनबॉक्सिंग के चले गए। भाई आप कितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, हमेशा जब नया प्रोडक्ट खरीदते हो ना यार अलग ही फीलिंग है यार। मतलब कितना प्यारा दिख रहा है, छोटा सा लैपटॉप है। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता ही होगा ये वायर और हमारे डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, उसके बाद कोई इनके स्टिकर्स, मैकबुक एयर के डॉक्यूमेंट्स, स्टिकर्स, जो चीज़ें हमें कभी यूज़ नहीं होती। अरे चार्जर भी काफ़ी छोटा कर दिया यार, मतलब इधर भी पैसे बचा लिए। और फिर से एप्पल का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अपना कंटिन्यू होते हुए, बहुत प्यारा सा अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारा एप्पल M1 Air। यार ये अलग ही फील आती है जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हो और खुलते ही अपने आप मैकबुक ऑन हो जाता है। मतलब यार इतना प्यारा डिज़ाइन। बस एक दिक्कत है ये कि यार एप्पल का जो पहले अधकटा एप्पल जलता था वो हट चुका है, बट और सब तो यार बहुत ही मस्त है। अब थोड़ा आईफोन को भी देख लेते हैं यार। ये अपना आईफोन 12 128 GB 80,000 का, और ये देखो टेंटन है। अब भैया यार ये आईफोन ना अनबॉक्सिंग ना करे हुए मैं रुक नहीं पाया, दुकान में ही अनबॉक्स कर दिया। ज़रा आपको दिखा दूँ, ब्लू कलर का आईफोन है क्योंकि नया कलर आया है आईफोन 12 में। इसके अलावा ये अपना वही डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया है। और पर यार चीज़ देखो यार कितना प्यारा, कितना स्मूथ, मतलब पकड़ते ही ना लगेगा कि यार कुछ तो चीज़ है। और एप्पल के प्रोडक्ट्स में बात ऐसी होती है क्योंकि जब भी आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो एक इंसान को आपको इमोशनली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रैशनली तो फीचर्स के हिसाब से आप कभी 80,000 का फ़ोन नहीं लोगे, बट फ़ोन देख के अगर उससे प्यार हो जाए, बट तब आप कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हो जाओगे, चाहे वो 1,00,000 फ़ोन के लिए हो या 2,00,000 एप्पल मैकबुक के लिए हो। अब भैया सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा दिखता हो पर काम सही से ना करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फेरारी विदाउट एन इंजन इज़ यूज़लेस। तो अब जब हम एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मैं आईफोन भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ है आपको इसमें ऐप बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेम विद अपना मैकबुक, इतने सारे टैब खोल लो कि यार आपको खुद नहीं पता होगा कि भैया इस टैब में है क्या, बट मैकबुक बहुत प्यार से बहुत स्मूथली चलेगा। और बेसिक फंडा एप्पल का है कि यार इट जस्ट वर्क्स, मतलब फीचर्स से मतलब नहीं, 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, कितने mAh की बैटरी है, ये सब से किसी से मतलब नहीं है, बट काम इतना प्यार से करेगा कि आपको अलग ही फील होगा और आप वो एक्सपीरियंस कर पाओगे जो शायद आप फीचर्स के थ्रू एक्सपीरियंस ना कर पाओ। पर ऐसा नहीं है कि यार बाकी के प्रोडक्ट्स ख़राब है, 90% टाइम वो भी प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, बट एप्पल के प्रोडक्ट्स में क्या है कि 99% टाइम बहुत मस्त काम करेंगे। मतलब कभी भी अचानक से हैंग नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, अचानक से ज़बरदस्ती अपडेट इंस्टॉल नहीं होगा। मतलब आपने अगर पैसा खर्च किया है आपको वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स के थ्रू ज़रूर मिलता है जिसके लिए आप वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। अगला बेनिफिट आता है कि यार इकोसिस्टम बेनिफिट्स। मतलब ये तो आपने सुना ही होगा कि यार अगर आप एक बार एप्पल इकोसिस्टम में घुस गए
तब निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि यार एप्पल के प्रोडक्ट्स एक साथ इतना बढ़िया काम करते हैं। मतलब आप आराम से सिंक कर दिए अपने आईफोन को मैकबुक के साथ और कॉल डायरेक्टली आप अपने मैकबुक से उठा पा रहे हो। सारा जो चीज़ें आप सर्च अपने आईफोन में कर रहे थे वो उसी जगह पर पहुंच जाएगा आपके मैकबुक पे। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल फ्लूइड बन जाता है और पूरा कनेक्टेड वर्ल्ड लगता है आपको। और तभी यार जब बंदा एक एप्पल प्रोडक्ट खरीदता है उसके बाद वो एक के बाद दूसरे एप्पल प्रोडक्ट खरीदता रहता है क्योंकि उससे बेनिफिट्स कंपाउंड ही होते जाते हैं। अब अगला पॉइंट आता है जो एप्पल का सप्लाई और डिमांड होता है। तो यूजुअली आप देखेंगे कि जिन भी प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा हाइप होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि यार वो प्रोडक्ट्स बहुत कम मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चाहे नाइकी के एयर जॉर्डन स्नीकर्स हो या एडिडास के ईजी के स्नीकर्स हो या सुप्रीम के प्रोडक्ट्स हैं, बट एप्पल ने इतना स्वीट स्पॉट हिट किया है कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे भी हैं पर मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की कमी भी नहीं होती है। वो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वो मार्केट में प्रोडक्ट्स डालते रहते हैं पर डिमांड कम होने का नाम नहीं लेती है और इसके बाद भी उनके प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट होते हैं। ये आप M1 को ही देख लो, इंडिया में करीब 2 हफ्ते तक सोल्ड आउट था। और AirPods Max जो कि इंडिया में 60,000 रुपये के मिलते हैं और लोगों ने बोला कि यार कोई नहीं खरीदेगा, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि यार उनके सारे कलर यहाँ तक कि पिंक ग्रीन ये सारे कलर्स भी सोल्ड आउट है कई हफ्तों से। तो ये एक ब्रांड को अचीव करना कि उनके प्रोडक्ट्स में हाइप भी इतनी ज़्यादा है और वो कंटिन्यूसली जितना भी प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रहे हैं फिर भी उनका हाइप कम नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एप्पल ही है। और आखिरी रीज़न एप्पल के प्रोडक्ट्स क्या इतना अट्रैक्शन का, वो है कि यार जो इमेज वो पोर्ट्रे करते हैं, मतलब शुरुआत से ही आपको पता होगा कि यार एप्पल अपने आप को ऐसा प्रोडक्ट दिखाता है जो कि अंडरडॉग्स यूज़ करते हैं, क्रिएटिव लोग यूज़ करते हैं और यूजुअली हर एक इंसान अपने आप को शुरुआत में अंडरडॉग ही मानता है और क्रिएटिव लोगों से काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यार सारे मेजर मूवीज़ एड्स में अगर लैपटॉप फ़ोन ये सब दिखाना हो तो वो एप्पल के प्रोडक्ट्स ही दिखाते हैं जबकि उसके लिए एप्पल पैसा भी नहीं देता है। तो इससे एप्पल की सटल मार्केटिंग भी हो जाती है और लोगों पे भी वो इमेज रहता है कि यार अगर हम एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हम स्पेशल हैं और हम जैसे स्टीव जॉब्स ने दुनिया बदली हम भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके दुनिया बदल सकते हैं, जिसकी वजह से लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं एप्पल के प्रोडक्ट से। पर ऐसा नहीं है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि पहला मेजर प्रॉब्लम है कि यार एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना मतलब एक हाथी को पालना। अब ये मत समझो कि यार आपने 80,000 रुपये खर्च किए 1,00,000 रुपये खर्च किए उसके बाद आपको कुछ और खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक तो फ़ोन के साथ वो चार्जर नहीं देते तो इसके लिए आप पहले 1900 रुपये का चार्जर खरीदो और सी टाइप के ईयरफोन्स नहीं है तो उसके लिए कनेक्टर भी 900 रुपये का आता है। और ये तो यार वो बहाना दे देते हैं कि यार हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। भाई अगर एनवायरनमेंट की इतनी चिंता है तो यार 2-4 और पोर्ट दे देते, मतलब ना कार्ड रीडर है और सिर्फ सी टाइप पोर्ट्स हैं वो भी सिर्फ 2 पोर्ट। और यूजुअली आपको पता है कि यार यूएसबी कनेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए फिर हमको एक और प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। और ये देखो भाई USB-C से एक कनेक्टर जो भी फिर से 1900 रुपये का है। तो भैया एनवायरनमेंट बचाना तो बहाना है, मेन है पैसे कमाना ताकि 2 ट्रिलियन से अब कंपनी 3 ट्रिलियन की हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि यार एप्पल के प्रोडक्ट्स बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं, इनमें भी कई दिक्कतें हैं। जैसे कि यार इसका जो फेस आईडी है चश्मे के साथ बढ़िया काम करता है बट चश्मे के बिना काफ़ी बार काम नहीं करता है। इसके अलावा आप मैकबुक एयर का अगर आप वेबकैम देखेंगे, मतलब यार करीब 1,00,000 का लैपटॉप है और वेबकैम वो अभी भी 720p दे रहे हैं, इतना पैसा बचा के कहाँ जाओगे यार। इसके अलावा आईफोन में सिर्फ फ्री में 5GB iCloud का मिलता है तो मतलब iCloud का भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है भैया, मतलब इतना पैसा खर्च करने का 20-30 GB तो दो, Gmail तो फ्री में 15 GB दे देता है यार। और जो आखिरी जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि इनका रिपेयर कॉस्ट बहुत आया है, मतलब अगर इसका फ्रंट स्क्रीन थोड़ा भी टूटता है वो करीब 30-35,000 रुपये लगते हैं ठीक होने के लिए, जिसमें कि आपका एक नया अच्छा खासा फ़ोन आ जाएगा। बैक स्क्रीन टूटा तो करीब 40,000 रुपये लगते हैं और एयर में कोई दिक्कत हुई और आपको ठीक करवाना पड़ा तो उससे बेटर होगा कि यार आप नया ही लैपटॉप ले लो, प्राइस क्या ही पता करोगे। तो ये सब दिक्कतें हैं बट क्योंकि यार इतने सारा पैसा खर्च किया है और एप्पल ने वैसी इमेज मेंटेन की है तो लोग इतना ज़्यादा कंप्लेन करते नहीं है, जो एप्पल फाइनल डिसीजन लेता है उसी के साथ वो काम करते हैं और एक के बाद एक एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं। तो यही रीज़न है कि यार आज एप्पल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि यार 80,000 का फ़ोन 1,00,000 का लैपटॉप लूँगा, पर वो दिन भी देखने को आ गए क्योंकि एप्पल चीज़ ही ऐसी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।